हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सुरेश, आप देख रहे हैं टेकमैन सुरेश चैनल। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूँगा महिंद्रा प्लाजो 2 5 टीपर 2019। इस गाड़ी का प्राइस और स्पेसिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बताऊँगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं हर दिन आप लोग के लिए नया नया वीडियो ला रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक बाइक चैनल का लिंक दिया है, आप उस लिंक से उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो भी चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। बात करें दोस्तों इस गाड़ी की, तो इस गाड़ी के सामने आपको ब्लाजो 2.5 का बैजिंग मिलता है, उसके साथ आपको महिंद्रा का सिग्नेचर ग्रिल इसको इस गाड़ी में आपको सामने मिलेगा, और उसके ऊपर आपको महिंद्रा का लोगो देखने को मिलेगा। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है महिंद्रा का 6 सिग्नेचर ग्रिल्स जो कि आपको गाड़ी के सामने देखने को मिलेगा। बात करें तो इस गाड़ी का हेडलैम्प की, तो इस गाड़ी का नॉर्मल हेडलैम्प है, इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। दोस्तों, ये गाड़ी आपको दोनों वेरिएंट में मिलेगा और दोनों वेरिएंट का प्राइस भी अलग है। ये गाड़ी का प्राइस है 24 लाख और उसका जो एक टॉप मॉडल है उसका आता है आपको 31 लाख। बात करें दोस्तों इस गाड़ी के इंजन की, तो इस गाड़ी में आपको एम पावर 7.2 लीटर फ्यूल स्मार्ट दोस्तों इंजन मिलता है इस गाड़ी में, जिसका डिस्प्लेसमेंट है 7200 सीसी। ये गाड़ी बहुत ही पावरफुल गाड़ी है, और इस गाड़ी का पावर की बात करें आपको मिलेगा 274 HP, और टॉर्क दोस्तों इस गाड़ी का है 950 Nm। दोस्तों, इस गाड़ी का इंजन फुल स्मार्ट होने से इस गाड़ी आपको बेहतर माइलेज देगा। बात करें दोस्तों इस गाड़ी का GVW जो कि है 25,000 kg। दोस्तों, GVW का मतलब होता है ये गाड़ी का टोटल वेट। दोस्तों, बात करें इस गाड़ी का मजबूती की, ये गाड़ी बहुत ही मजबूत है, और गाड़ी के पीछे आपको महिंद्रा का बैजिंग भी देखने को मिलेगा। यदि आप इस गाड़ी का रियर को भी देखेंगे, तो आपका इस गाड़ी में रियर में LED टेल लैम्प मिलेगा, इसे आप टेल लैम्प भी कह सकते हैं और बैकलाइट भी कह सकते हैं। बात करें दोस्तों इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इस गाड़ी में आपको 250 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, और इस गाड़ी का टायर है 10x20 16 ply रेटिंग। और बात करें दोस्तों इस गाड़ी का फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इस गाड़ी में आप एक बार आराम से 235 लीटर तक फ्यूल भरवा सकते हैं। बात करें दोस्तों सस्पेंशन की, तो सामने आपको सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग विथ शॉक अब्जर्वर, और रियर में आपको बेल क्रैंक टाइप सस्पेंशन मिलेगा। और इस गाड़ी का ड्राइवर केबिन में यदि आपको दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं इस गाड़ी का ड्राइवर केबिन बहुत ही स्पेशियस है। ड्राइवर के ऊपर आपको बहुत सारे चीज़ें रखने के लिए भी स्पेस है। ड्राइवर केबिन को दोस्तों कूल रखने के लिए महिंद्रा की तरफ से 2 पंखे लगा हुआ है, जो कि ड्राइवर केबिन को कूल रखता है। और उसके साथ इस गाड़ी में दोस्तों AC लगाने के लिए भी ऑप्शन आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं ये इस गाड़ी का स्पेस है, जो कि ड्राइवर में ऊपर आप चाहे तो बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। और जो पंखे हैं, ये है जो गाड़ी का लाइट है, जो नाइट में आपको अच्छा विजिबिलिटी देगा ड्राइवर केबिन को। यदि मैं आपको इस गाड़ी का गियर बॉक्स दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं इस गाड़ी का जो गियर बॉक्स है वो है 6 स्पीड। दोस्तों, इस गाड़ी का जो सिस्टम वोल्टेज है वो है 24 वोल्ट, जो कि आपको दोनों तरफ से मिलेगा 12 वोल्ट × 2। और इस गाड़ी में आपको बहुत सारे स्विच मिलता है गाड़ी को चलाने के लिए, और इस गाड़ी में आपको पावर स्टीयरिंग मिलेगा। दोस्तों, बात करें तो इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यह इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जो कि आपको सेमी डिजिटल विथ एनालॉग में मिलता है, और ड्राइवर को सब तरह का जानकारी वो उनको मिल जाएगा। दोस्तों, इस गाड़ी का स्टेयरिंग की बात करें, तो ये आपको कार जैसा स्टेयरिंग मिलता है, जो कि बहुत ही तरीके से एडजस्टेबल होता है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो इसे जितने आपको आपके हाइट के हिसाब से भी आप चाहे तो इसे एडजस्टेबल कर सकते हैं, आपका कंफर्टेबल के हिसाब से भी यदि आप चाहे तो इसका स्टेयरिंग को भी एडजस्टेबल कर सकते हैं। और इस गाड़ी का जो ड्राइवर केबिन है वो भी एडजस्टेबल होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये तो स्टेयरिंग का था, क्योंकि स्टेयरिंग आप जैसे चाहे एडजस्टेबल कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये है इस गाड़ी का ड्राइवर केबिन, आप देख सकते हैं इसका जो ड्राइवर सीट है वो भी एडजस्टेबल होता है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं, गाड़ी को चला सकते हैं। दोस्तों, गाड़ी का ये था एक छोटा सा रिव्यू, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आपका ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक कीजिए, और दोस्तों मेरा जो नया बाइक चैनल है उसे भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए।